भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बैंक रोड स्थित एक मैरिज हॉल में केक काटकर मनाया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन अंसारी ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गरीबों के लिए अनेकों अच्छे कार्य किए हैं तथा गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष किया है। उनके सपनों को भारतीय जनता पार्टी साकार कर रही है। उन्होंने कहा, जिस सपने को अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था कि देश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जावेद अहमद, महानगर महामंत्री मोहम्मद असलम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन अंसारी ने कहा, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गोरखपुर क्षेत्र में उनके जन्म जयंती पर आज गरीबों में कंबल वितरण, फल वितरण, स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का जो कार्यक्रम है करके आज उनका जन्मदिन मनाया है। कुछ कहना चाहेंगे आज के जन्मदिन पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए जद्दोजहद किया, गरीबों के लिए संघर्ष किया, देश के उत्थान के लिए जो संघर्ष किया, आज भारतीय जनता पार्टी उस सपने को साकार कर रही है। और पूरे दुनिया में जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं।